क्लास टेंथ वेलकम। हाय, मैं हूं सार्थक और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर 1 लाइट। आज के दिन इस चैप्टर की शुरुआत करेंगे और आज के दिन इस चैप्टर को खत्म भी कर देंगे। हाँ, एक शॉट में, एक वीडियो में पूरे चैप्टर की पढ़ाई करने वाले हम लोग। अगर आप लोग थोड़ा बहुत इस चैप्टर को पहले पढ़ चुके हो तो आपके लिए पूरा माइंड मैप मिलने वाला है इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी होती हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक ये चैप्टर है सारी चीज़ें। और अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैप्टर को पढ़ रहे हो तो भी आपको पूरे पूरे चैप्टर की नॉलेज हो जाएगी कि इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या चीज़ें समझनी होती हैं। सारे कॉन्सेप्ट एक ही वीडियो में मिलेंगे। मेरा काम होगा, मैं सिर्फ समझाऊंगा, जो चीज़ समझने वाली है वो समझाऊंगा। लिखने की या बोले याद करने वाली चीज़ें कम मिलेंगी आपको इस वीडियो में। हाँ, आपको नोट्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी तो नोट्स मैं टेलीग्राम पे भेजता हूँ आपको, लिंक डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का, वहाँ से आप लोग नोट्स दोनों टाइप के, आपको बिल्कुल बेसिक नोट्स चाहिए 3 से 4 पन्नों में सिर्फ डेफिनेशन वाले तो वो मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव चाहिए, पूरा अच्छे से नोट्स चाहिए, वहाँ पे आपको थ्योरी चाहिए, फिर उसके साथ न्यूमेरिकल चाहिए, फिर उसके साथ प्रैक्टिस के लिए कुछ सवाल चाहिए, डिस्क्रिप्टिव नोट्स भी हैं, सब कुछ एक साथ टेलीग्राम पे मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लेना। स्टार्ट करते हैं चैप्टर की और क्या क्या पढ़ना होता है इस चैप्टर में। थोड़ा सा मैं आपको माइंड मैप दे दूँ कि कहाँ से लेके कहाँ तक चलना हम लोगों को। तो इस चैप्टर का नाम है लाइट। सबसे पहला काम करेंगे हम लोग लाइट होता क्या है, लाइट की प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, थोड़ी देख लेंगे कि लाइट की हिस्ट्री क्या है, मतलब इस पे क्या क्या काम हो चुका है। लाइट की दो खास प्रॉपर्टीज चैप्टर में पढ़ना हम लोग को, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसके अलावा भी लाइट की प्रॉपर्टीज होती है लेकिन वो अगले चैप्टर में। तो रिफ्लेक्शन के साथ जब हम लोग पढ़ेंगे तो रिफ्लेक्शन के आते हैं कुछ लॉज, दो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के, वो पढ़ेंगे हम लोग। फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन के साथ हमें पढ़ना होता है मिरर, और मिरर पढ़ेंगे। मिरर के होते हैं दो टाइप, ठीक है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। नहीं, मिरर के दो टाइप होते हैं, प्लेन और स्फेरिकल। स्फेरिकल के दो टाइप हो जाते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, वहां से वो चीजें मिरर पढ़ेंगे हम लोग। फिर मिरर से जुड़े इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे फोकस, पोल, ये सब जो पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स को समझेंगे, एक एक क्या इनका मतलब होता है। फिर आएगा हमारे पास मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूले के साथ साथ हमें जरूरत पड़ती है साइन कन्वेंशन की, जो सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं आप लोग जब कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करते, तो साइन कन्वेंशन कब प्लस कब माइनस लेना है उसके ऊपर बात करेंगे। फिर हमारे पास आएगा मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन की बात करेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कि रे डायग्राम कैसे बनते हैं। रे डायग्राम जो भी कॉनकेव के अंदर, कॉन्वेक्स के अंदर रे डायग्राम कैसे बनाया जाता है, वो सारी चीज़ें। ये पार्ट फर्स्ट होगा, मतलब एक तरफ का ओवर होगा। फिर दूसरा जो दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है लाइट की, वो है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन में क्या होता है, लाइट किसी सर्फेस पे टकराती, लौट के उसी मीडियम में वापस आ जाती। रिफ्रैक्शन में क्या होता है, किसी मीडियम के सर्फेस पे टकराती और उसके अंदर चली जाती, ठीक है, मतलब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली जाती, ये होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में भी लॉज मिलेंगे हम लोगों, रिफ्रैक्शन के लॉ पढ़ेंगे, दो लॉ यहाँ भी मिलेंगे। और वहीं से एक बहुत जरूरी लॉ मिलता है हम लोगों को, जिसका नाम है स्नेल्स लॉ। स्नेल्स ने, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपना जो लॉ देख रखा उसके बारे में बात करेंगे। कोई भी मीडियम होता है तो उसकी बहुत खास प्रॉपर्टी होती है, जो लाइट, जिस पे लाइट की स्पीड डिपेंड करती है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बारे में बात करेंगे, वहाँ पे भी कुछ फॉर्मूले मिलेंगे हमें, एक फॉर्मूला। फिर हम लोग को पढ़ना होगा लेंस। जैसे कि रिफ्लेक्शन के साथ मिरर पढ़ते हैं, वैसे रिफ्रैक्शन के साथ लेंस पढ़ना होता है। लेंस पढ़ेंगे, लेंस में भी आएगा लेंस फॉर्मूला, और लेंस फॉर्मूले के साथ साथ हमको कुछ चीज़ें देखनी होंगी कि लेंस का पावर कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए भी एक फॉर्मूला है, पावर ऑफ लेंस। जैसे मैंने ये स्पेक्स पहन रखे हैं तो इसके कुछ पावर होते हैं, कभी पॉजिटिव होता है कभी नेगेटिव होता है, ये सब बात करेंगे। फिर देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, एक लेंस है, दो तीन लेंस आ गए, अलग अलग टाइप के लेंस आ गए, उसके बारे में। और फिर एक और चीज़ जो है तीर, तीर नहीं लिखे ये, इसे पढ़ते हैं हम लोग TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और उसके साथ प्रिज्म। ये थोड़ा सा अलग से, मतलब अलग से ये चीज़ मैं आपको ऐड करके इसमें बताऊंगा। देखो, इसमें बोर्ड का पार्ट तो हम लोग सब कुछ कवर कर ही रहे हैं, जो भी समझने वाली चीज़ें बोर्ड का सब कुछ करेंगी। थोड़ा सा मैं आपको ऊपर का भी टच दूंगा, मतलब एडवांस लेवल की, जो लोग भी टारगेट कर रहे हैं NTSC या फिर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, तो उनको भी बहुत नई नई चीज़ें इसी चैप्टर में सीखने को मिलेंगी। डेरिवेशन, जैसे क्लास टेंथ में डेरिवेशन पर बहुत फोकस नहीं किया जाता है, तो डेरिवेशन अगर आपको सीखना है तो उसके लिए भी मैं बताऊंगा कि उस डेरिवेशन के लिए क्या करना होगा, क्या देखना होगा, वो बात आपको बता दी जाएगी। और प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे आपको सवाल मिल जाएंगे टेलीग्राम पे, जो
पीडीएफ पड़ेगी, वहां से आप लोग प्रैक्टिस के सवाल देख लेना। और उसके बाद अगर ये चैप्टर ओवर हो जाएगा फिर हम लोग आगे चल के इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहली चीज जो समझनी होगी वो है लाइट। क्या है लाइट, व्हाट इज लाइट, डिफाइन करते हैं। जैसे कि ये एक पेन है, मार्कर पेन, तो इसे मैं तभी देख पाता हूँ जब होता क्या है, यहाँ पे लाइट आती है, बल्ब से आ सकती है, बाहर सनलाइट से आ सकती है, लाइट इस पे आती है, टकराती है और टकरा के मेरी आंखों तक आती है, तब मैं इसे देख पाता। अगर सब कुछ लाइट बंद हो जाए, अंधेरा हो जाए, तब मैं इस ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाऊंगा। तो लाइट की बहुत खास बात यह है कि लाइट हमें किसी चीज को देखने में मदद करता है। इंग्लिश में बोले तो इसे बोलते हैं लाइट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइटनेस। लाइट होगी तो देख पाऊंगा, लाइट नहीं होगी तो नहीं देख पाऊंगा। पहला पॉइंट, लाइट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ साइटनेस। दूसरे पॉइंट की बात करें तो लाइट जो होता है एक एनर्जी का फॉर्म है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो एक जगह से दूसरे जगह चलता। मान लो ये टॉर्च है, मैंने टॉर्च जलाया तो लाइट यहां से चल के आगे दूर तक जाएगी, और यहां से यहां तक जो जाती है वो एक वेव के फॉर्म में जाती है। उस वेव का नाम होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। शायद आपने ये वर्ड फर्स्ट टाइम सुना होगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इतना समझो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब उसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं लाइट वेव के अंदर। पूरी बात को एक लाइन में समराइज करें तो बोलेंगे लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये हुई लाइट की छोटी सी डेफिनेशन। नोट्स में भी ऐसा ही कुछ आपको मिल जाएगा। थोड़ी बात लाइट के बारे में और कर लें, इसकी हिस्ट्री के बारे में। लाइट होता क्या, एक्चुअल किस चीज का बना हुआ होता है, तो इस बात पे बहुत पुरानी लड़ाई है, आज भी चल रही है कि लाइट एक्चुअल किस चीज का बना हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम होगा, लेकिन इसको समझ सकते हो कि इस पे लड़ाई क्यों चल रही है। तो मानो ना कि ये टॉर्च है और टॉर्च से मैं लाइट इसको टॉर्च को जलाता हूं तो यहां से लाइट निकलती है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने बोला कि जो लाइट निकलती है वो पार्टिकल जैसे निकलती है, उसमें छोटे छोटे पार्टिकल से बन के मिलके बनी होती है। कुछ लोग बोले नहीं पार्टिकल नहीं होता, उसमें सिर्फ वेव होता है। शुरुआत हुई थी कहानी की न्यूटन से। न्यूटन ने 16th सेंचुरी में कॉर्पस्क्युलर थ्योरी दी थी। कॉर्पस्क्यूल मतलब होता है पार्टिकल। तो न्यूटन ने बोला कि देखो ये टॉर्च जलाया तुमने तो यहां से लाइट निकली, तो लाइट में छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं और यहां से ये लाइट जलाओ यहां से सब आगे की तरफ बढ़ते जाते हैं। तो ये बात बोली थी न्यूटन ने अपनी थ्योरी में कि लाइट पार्टिकल से मिलके बना होता है। आगे चल के कुछ लोगों ने इस बात का विरोध किया, नहीं पार्टिकल से नहीं बना होता है, ये बना होता है वेव से। और इसमें यंग, हाइगेन, बाद में चल के मैक्सवेल, अलग अलग साइंटिस्ट लोगों ने अपनी अपनी बात रखी थी। कोई बोला कि पार्टिकल से बना, कोई बोला कि वेव से बना। फाइनली मैक्सवेल ने थोड़ा अच्छा खासा आइडिया दिया था और बाद में चल के कंक्लूजन निकला कि देखो लाइट न पार्टिकल है, सॉरी लाइट के पास दोनों नेचर है, ये पार्टिकल्स भी है, कभी कभी पार्टिकल नेचर शो करेगा और कभी कभी ये वेव नेचर भी शो करेगा, ठीक है। इस चीज को पार्टिकल नेचर और वेव नेचर को हम लोग जब रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे ना तो इसको और अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे। अभी तक ये आपको समझना है, ये बात दिमाग में रखनी है कि लाइट के पास दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल भी और वेव भी, ये बात। आगे चल के आइंस्टीन के समय जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे एक्सपेरिमेंट किया गया था तो थोड़ी बात आई थी फोटोन की, ठीक है। फोटोन थोड़ी मॉडर्न चीज है, मॉडर्न फिजिक्स का पार्ट है। तो फोटोन को आसान भाषा में ये समझना चाहो तो बोल सकते हैं कि फोटोन मतलब लाइट निकलता है, टॉर्च से लाइट निकली तो इन फॉर्म ऑफ फोटोन। फोटोन छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जिनके पास रेस्ट मास जीरो होता है, ठीक है, वो स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं। ऐसी ऐसी बातें, कुछ एजम्पशंस हैं फोटोन के बारे में। तो इतना समझना कि फोटोन से मिलके लाइट बना होता है, ठीक। अब लाइट को हम लोग समझने के लिए, विजुलाइज करने के लिए एक नाम देते हैं रेज। रे को थोड़ा फील करते हैं हम लोग। सपोज करो ये मेरे पास एक टॉर्च है, टॉर्च से मैं लाइट जलाऊंगा, ठीक है, टॉर्च बटन दबाया लाइट जल, तो ऐसे कुछ लाइट निकल रहा है। अब उस लाइट को फील करने के लिए, समझने के लिए, मान लो ये रहा मेरा टॉर्च, ठीक है, ये रहा बटन, तो यहां से जो लाइट रे निकल रही है ना, इनको अगर मैं तीर एरोज से दिखाऊंगा ना, तो इसी चीज को बोलते हैं हम लोग रे। लाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए जो एरो बनाई जाती है उसी चीज को बोलते हैं रे, ठीक है। रे रे के जो कई सारे रे आ गए तो इसे बंडल ऑफ रे भी बोलते हैं, बंडल ऑफ रे, बीम, ये वर्ड भी यूज किया जाता है इसके अलावा। अब रे कैसी कैसी हो सकती हैं, तो एक तो रे बिल्कुल सीधा सीधा निकले तो इन्हें बोलते हैं पैरेलल, क्या बोलते हैं, सीधा सीधा यानी पैरेलल रेज। उसके अलावा लाइट रेज
ऐसे जाके फैल जाएं, ठीक है, लाइट रे जाके दूर दूर हो जाएं, तो इसे बोलते हैं। अच्छा, एक ये होता है और एक होता है लाइट रेस आके किसी पॉइंट पे मिल जाए, मतलब दूर से आ रही थी लाइट एक जगह पे, तो ये फैलना और वो होता है मिलना, तो ये बोलते हैं डाइवर्जिंग। डाइवर्ज मतलब दूर दूर होना, डाइवर्जिंग, और ये जब अगर मिलती हैं तो इन्हें बोलते हैं हम लोग कन्वर्जिंग। ये लाइट रेस हम लोग को इनके बारे में पढ़ना है। रेस का मतलब होपफुली समझ में आया। अगली चीज़ हमें जो समझनी है रिफ्लेक्शन, पहली प्रॉपर्टी हम लोग शुरू कर रहे हैं रिफ्लेक्शन के बारे में। रिफ्लेक्शन क्या होता है उसको समझते हैं लाइट रेज की मदद से। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन वाले बात हम लोग पढ़ रहे हैं। मैंने टॉर्च चलाया, लाइट गई टकरा के वापस आ गई, गई टकरा के वापस आ गई, तो जो बाउंस बैक किया लाइट ना, बाउंस बैक किया, इसी चीज को बोलते हैं रिफ्लेक्शन, इसी चीज को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। थोड़ा सा एक डायग्राम से समझो, मान लो ये सरफेस है, ठीक है, यहाँ पे मैंने टॉर्च जलाया, यहाँ पे ये टॉर्च जलाया तो यहाँ से लाइट ऐसे आई, ठीक है, और जब यहाँ पे आई टकराई तो टकरा के ऐसे चली गई, टकरा के ऐसे चली गई। बाउंसिंग अ बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। खास बात क्या होती है, जिस मीडियम से आया उसी मीडियम में वापस चला गया, तो ये बात होती है रिफ्लेक्शन की। इससे जुड़े कुछ टर्म्स हम लोग समझ लेते हैं। ये जो लाइट आती है ना, इसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे। जो लाइट जाती है उसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो सरफेस है जहाँ पे लाइट टकराई थी, इसके परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे जो लाइन होती है, ये लाइन, इसे बोलते हैं नॉर्मल। नॉर्मल मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक। कुछ और चीज़ें, नॉर्मल से जितना एंगल इंसिडेंट रे बनाती है इसे बोलते हैं आई। आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। सुन रहे हो ना। दूसरा, नॉर्मल से जो रिफ्लेक्शन एंगल बनाता है इसे आर बोलते हैं। आर इज एंगल ऑफ, बार बार क्यों लिखे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सही, रिफ्लेक्शन की अगर डेफिनेशन लिखना चाहो तो लिख लो, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन अ सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन। दो लॉ जुड़े हुए हैं रिफ्लेक्शन से, ठीक है, दो लॉ जुड़े हुए हैं। अच्छा, रिफ्लेक्शन के लॉ तो बात करेंगे। रिफ्लेक्शन दो टाइप से हो सकता है, एक होता है रेगुलर, रेगुलर, और एक होता है डिफ्यूज। डिफ्यूज को इरेगुलर भी बोलते हैं, ठीक है, इरेगुलर। होता क्या है, मान लो सरफेस एकदम स्मूथ है, चिकनी सरफेस, तो यहाँ पे जितना भी लाइट आएगा, ये आया तो ऐसे चला गया, ये लाइट आया तो ये जिस डायरेक्शन में आएंगे एक साथ उसी डायरेक्शन में एक साथ जाएंगे। लेकिन अगर इरेगुलर सरफेस, ऐसा कोई सरफेस है, ठीक है, तो लाइट एक आई यहां से जाके यहां गई, ठीक है, एक और लाइट आई यहां से जाके कुछ यहां चली गई, फिर एक लाइट और आई यहां से आई और यहां पे, मतलब अगर एक डायरेक्शन में आ रही है तो लाइट अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगी, इसे बोलेंगे डिफ्यूज या फिर इरेगुलर रिफ्लेक्शन। दो टाइप के होंगे। डिफ्यूज मतलब सब एक साथ गए, एक साथ आए, एक साथ गए, एक साथ आए और अलग अलग चले गए, तो इसे बोलेंगे डिफ्यूज्ड, ठीक। बाकी लॉ के बारे में बात करें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के दो लॉ हैं। पहला लॉ बोलता है कि ये जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, हर बार, चाहे रेगुलर हो चाहे डिफ्यूज हो, हर बार ये लॉ वैलिड होगा, ठीक है, ये लॉ कभी भी फेल नहीं होगा। मिरर चाहे ऐसा वाला हो तो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, ऐसा वाला हो तो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है हर बार, इस बात को ध्यान रखना, इस लॉ को। दूसरा लॉ बोलता है कि ये लाइट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों होते हैं एक प्लेन में, आई आर, आर आर और एंड नॉर्मल, ये तीनों के तीनों लाइज इन सेम प्लेन। तीनों लाइट रे एक ही प्लेन में होते हैं, ये बात आपको समझ ली, ठीक। कैसे इसको फील कर सकते हैं ना, देखो, अच्छा मान लो, थोड़ा कंफ्यूज करता हूं तुम्हें, पहले कंफ्यूज होना फिर इसका सॉल्यूशन मिल जाए। मान लो एक लाइट रे, यहां से मैंने टॉर्च चला, लाइट रे गई यहां पे टकराई, टकरा के यहां पे गई, ये आई टकराई, ये गई, सोच के बताओ क्या ये तीनों के तीनों इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और यहां पे बीच में नॉर्मल, फील कर रहे हो इसको, ये बीच में नॉर्मल, क्या ये तीनों एक ही प्लेन में,
मतलब ये तो मुझे लग रहा है 3D में, यहाँ पे आ रहा है फिर यहाँ पे जा रहा है, 3D में लग रहा है, बट एक्चुअल में ये 3D में है, सब कुछ 3D में, लेकिन अगर तीन को मैं ध्यान से देखूं, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों को अगर जोड़ू ना तो ये एक प्लेन में आएंगे, ये एक प्लेन में आएंगे, जैसे एक बोर्ड है हमारा तो बोर्ड एक प्लेन है, वैसे ये तीनों के तीनों एक प्लेन में आएंगे, 3D में नहीं आएंगे। ये लॉ और लॉ है, नियम है, तो खेल नहीं होता है, ठीक है, ये हर जगह वैलिड होगा, पहला लॉ भी दूसरा लॉ भी। तो ये बात सिंपल सी आसान भाषा में हो गई रिफ्लेक्शन के बारे में। दूसरी बात हमें करनी है मिरर के बारे में। मिरर, मिरर होता क्या है? मिरर वही मिरर जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। मिरर ग्लास का बना होता है, ठीक है, ये बात समझें, ग्लास का होता है और उसमें एक तरफ से हम लोग पेंट कर देते हैं, पेंट कर देते हैं या बोलो पॉलिश कर देते हैं कुछ, या सिल्वरिंग कर देते हैं, ये अलग अलग वर्ड यूज किए जाते हैं। तो उस तरीके से हम लोग को मिल जाता है मिरर। अब मिरर कितने टाइप का होता है? दो टाइप का होता है, प्लेन और स्फेरिकल। प्लेन और स्फेरिकल, प्लेन मतलब एकदम सीधा और एक तरफ से हमने पॉलिश कर दिया, ये वाली सरफेस पॉलिश कर दी। स्फेरिकल में दो आते हैं, एक होता है कॉनकेव और एक होता है कॉन्वेक्स। इसका मतलब समझे, कॉनकेव मतलब बाहर की सरफेस पॉलिश्ड, कॉन्वेक्स मतलब अंदर की सरफेस पॉलिश्ड। सीधी सी सीधा मतलब मेन डिफरेंस जो कॉनकेव और कॉन्वेक्स में, आउटर सरफेस पॉलिश्ड, इनर सरफेस पॉलिश्ड। अब देखो इसका केव, केव मतलब होता है, अब देखो लाइट इधर से अगर आएगी ना तो उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन लाइट यहां से आएगी तो ये टकरा के आएगी और इसका मतलब है, ठीक है, यहां से लाइट आएगी तो ये टकरा के आएगी, इसे बोलते हैं हम लोग। कहां जाग रहे हो, आना इधर, चल बाय। ओए हाँ, तो ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स की बात होगी, प्लीज डिस्टर्ब नहीं करो, ये हुई कॉनकेव और कॉन्वेक्स की बात। कॉनकेव मतलब गुफा वाला पार्ट है, इधर से लाइट आता है ना। दूसरा, यहां पे लाइट इधर से गई तो कोई मतलब नहीं है, यहां से लाइट आएगी तो उसका मतलब, ये टकरा के वापस जाएगी। कॉनकेव और कॉन्वेक्स, आउटर सरफेस पॉलिश, इनर सरफेस पॉलिश। अब इनको स्फेरिकल क्यों बोला जाता है, इसका भी कारण है, ये एक स्फेयर से काट के बने, ये एक स्फेयर है, ये भी एक स्फेयर है, इनसे काट के बने। अगर मैंने बाहर की सरफेस काटने के बाद पॉलिश कर दी कॉनकेव, अंदर की सरफेस पॉलिश की तो कॉन्वेक्स, ठीक। तो ये बात हुई मिरर, मिरर के टाइप की। थोड़ी सी बात हम लोग अभी करेंगे प्लेन मिरर के बारे में, थोड़ी सी अच्छी अच्छी बातें कर लेंगे प्लेन मिरर की, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लें, फिर हम लोग स्फेरिकल मिरर पे आएंगे। प्लेन मिरर, हाँ ऐसा दिखता है भाई अपना प्लेन मिरर, कुछ प्रॉपर्टीज है, सबको ध्यान से समझते हैं। जैसे ये प्लेन मिरर है तो यहां पे कोई मैंने रखा ऑब्जेक्ट, यहां पे रखा ऑब्जेक्ट। प्लेन मिरर हमारे घर में होता है, अगर देखो मान लो ये प्लेन मिरर है तो यहां पे ये अगर ऑब्जेक्ट है तो ये अगर है तो इसका ऐसा ही पीछे एक और बनता है, उसे बोलते हैं इमेज, ऐसा ही दिखने में पीछे बनेगा, ठीक। तो ये ऑब्जेक्ट का काम करता है और इसके पीछे बनता है एक इमेज। खास बात क्या है, अगर ऑब्जेक्ट की साइज कुछ है, मतलब ये इसकी कुछ लेंथ है, तो जितना लेंथ इसका होगा उतना ही लेंथ इसका होगा। तो पहली प्रॉपर्टी आती है, देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, दो नंबर का सवाल पूछा जाता है, साइज, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट साइज बराबर होगा इमेज साइज के, इमेज साइज के, पहली बात। दूसरी बात, मिरर से जो ऑब्जेक्ट की दूरी होती है उसको हम लोग यू से डिनोट करते हैं, और इमेज की जो होती है उसे वी से डिनोट करते हैं, यू फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी फॉर इमेज डिस्टेंस। तो यू और वी बराबर होते हैं, जितने दूर पे ऑब्जेक्ट होता है उतनी दूर पे इमेज भी बनता है। तीसरी बात, आप प्रैक्टिकली भी इस चीज को देख सकते हो, अगर घर पे कभी मिरर के सामने राइट हैंड, मिरर के सामने राइट हैंड उठाओगे ना तो इमेज में दिखेगा कि आपने लेफ्ट हैंड उठाया, लेफ्ट उठाओगे तो दिखेगा राइट उठाया, लेफ्ट राइट में कन्वर्ट हो जाता है, और इसी बात को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? लेटरल इन्वर्जन। इसमें बहुत सारे अलग अलग वैरायटी के इन्वर्जन, वैरायटी के सवाल बनते हैं, घड़ी वाले सवाल भी बनते हैं, मतलब चलो एक सवाल दे देता हूं, आप लोग कमेंट करके उसका आंसर बताना। ये घड़ी है, इस पे कोई भी 1 2 3 4 ऐसा नंबर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, और यहां पे लगा हुआ एक मिरर, घड़ी में ये भी है, सारे सिर्फ डॉट्स बने हुए हैं। अब यहां पे घड़ी में कुछ टाइम है ऐसा, ये बड़ी वाली सुई, ठीक,
मतलब छोटी वाली सुई जो घंटा बताती है, घंटे के बारे में बात करती है, और ये मिनट वाली सुई, ठीक, आपको देख के समझ में आ गया होगा कि इसमें कितना टाइम बच रहा है। तो इसका एक इमेज भी बनेगा, इस घड़ी का इमेज बनेगा, आपको बताना है कि इमेज में कितना टाइम होगा। थोड़ा सा मैं हिंट दे देता हूँ, बहुत लोग 12, 1, 2, 3 ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे भैया अभी 2 बजने वाले हैं, बजे नहीं, 2 बजने वाले हैं, और ये 55 पे, तो टाइम है 1:55। आप में से बहुत सारे लोग इसको 2:55 बोलते हो, लेकिन ये अभी 2 पे पहुंचा नहीं, थोड़ा सा पहले 1:55 है। आपको बताना है कि इमेज जो है उसमें टाइम कितना कितना है, कमेंट करके बताना, ठीक। बहुत सारे लोग तो लाइव क्लास में ये सब पढ़ चुके हैं। लैटरल इन्वर्जन की बात होगी, फिर चौथी बात होती है, अच्छा पता है मिरर है, ऑब्जेक्ट है, तो पीछे इमेज बनेगा, लेकिन पीछे जाके घूम के देखोगे ना तो वहां पे कुछ नहीं मिलेगा। ऑब्जेक्ट को तो मैं छू सकता हूँ, फील कर सकता हूँ, दिखता तो दोनों ही है, फील कर सकता, देख सक, छू सकता हूँ, पर पीछे जाके देखोगे तो कुछ मिलेगा ही नहीं। वहां पे लगता है, अपीयर होता है कि कुछ है, बट एक्चुअल में नहीं होता है, और इसी चीज को बोलते हैं वर्चुअल। तो इमेज जो बनती है ये बनती है वर्चुअल, इमेज बनती है वर्चुअल। और एक और बात, मैं अपनी इमेज अगर देखता हूं तो इमेज मुझे दिखाई देती है सीधी सीधी, मतलब सीधा होता है, ऐसा नहीं होता कि उल्टा हो जाता है। तो सीधा चीज जो होता है उसे बोलते हैं इरेक्ट, क्या बोलते हैं इरेक्ट, उल्टा को क्या बोलते हैं इन्वर्टेड। तो इमेज जो बनती है वो बनती है इरेक्ट इमेज, सीधा सीधा इमेज बनता है, ठीक। एक और बात मैं एडिशनल बता रहा हूं, इसको आप लोग समझ लो, इसे मैं छठा पॉइंट नोट कर लो। अगर मैं ऑब्जेक्ट को और इमेज को एक लाइन से ज्वाइन करूं, ऑब्जेक्ट और इमेज को एक लाइन से ज्वाइन करूं, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर होता है मिरर के, ये परपेंडिकुलर होता है मिरर के। इसका मतलब ओ आई ऑब्जेक्ट इमेज इज परपेंडिकुलर टू मिरर। ये खास बात, एक एडिशनल पॉइंट आपको सीखने के लिए, बाकी ये पॉइंट्स आप लोग समझ गए मिरर के बारे में क्या होता है, ठीक। मिरर के, प्लेन मिरर के बारे में, इसके मोशन के बारे में भी चार चार केस आते हैं, थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ इसमें क्या होता है, बात इसका प्रूफ नहीं बताऊंगा मैं अभी, पहले बोल रहा हूँ प्रूफ नहीं बताऊंगा, प्रूफ के लिए आपको 12th की वीडियो देखनी पड़ेगी। मिरर, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये रहा इमेज। अगर ऑब्जेक्ट को मैं यू स्पीड से चलाता हूँ ना तो इमेज भी चलता है यू स्पीड से, इस ये मिरर की तरफ, तो ये भी मिरर की तरफ सेम स्पीड से चलता है, पहली बात। दूसरी बात, अगर ऑब्जेक्ट को मैं ऊपर चलाऊं, ऊपर की तरफ चलाऊं, तो इमेज भी ऊपर की तरफ चलने लगता है, ऑब्जेक्ट चला तो इमेज भी चला, ठीक है, दो बात समझ में आई। तीसरी बात, अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे ही रखा रहूं, मिरर को मैं इधर की तरफ ले आऊं, ऑब्जेक्ट की तरफ यू स्पीड से, तो ये चलने लगता है टू यू स्पीड से। थोड़ा सा बहुत सारे लोगों का दिमाग घूम जाता है, भैया ये यू से चल रहा है, ये टू यू से कैसे चल रहा है, ठीक। बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, एक एग्जांपल अभी बता देता हूँ, छोड़ो बाकी वीडियो क्यों चेंज करोगे, अभी बता देता हूँ। मान लो ये रहा मिरर, ठीक है, ये रहा मैं रहा ऑब्जेक्ट, सामने मिरर लगा हुआ है, मैं ऑब्जेक्ट हूं, मेरे और मिरर के बीच में दूरी है 10 मीटर, मेरे और मिरर के बीच में दूरी है 10 मीटर, मिरर और इमेज के बीच में भी दूरी कितनी होगी 10, सही बात, मेरे और इमेज के बीच में दूरी कितनी 10 + 10 = 20। अब मैंने मिरर को चलाया, मेरी तरफ आ रहा है मिरर 2 के स्पीड से, 2 मीटर पर सेकेंड से, 1 सेकेंड तक देखता हूं तो मिरर 2 मीटर आगे आ जाएगा। अब मेरे और मिरर के बीच में दूरी कितनी 8, कितनी 8, मिरर और इमेज के बीच में दूरी कितनी 8, मेरे और इमेज के बीच की दूरी कितनी 8 इधर 8 इधर, 16, कितनी 16। ध्यान से देखो, मिरर ने चला 2 मीटर, मैं अपनी जगह पे खड़ा था, मेरे से इमेज पहले था 20, बाद में हो गया 16, मिरर चला 2, इमेज चला 4, 20 से 16 पे आ गया, 4 चला है ना, तो वही होता है यू से चलेगा अगर मिरर, तो टू यू से चलेगा इमेज। बाकी इसका प्रूफ वगैरह देखना तो 12th की वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक। अगली बात, अगर मिरर ऊपर चलेगा यू स्पीड से तो इमेज की सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेज चुपचाप रहेगा, कोई इसके मोशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये हुआ मोशन ऑफ प्लेन मिरर के 4 अलग अलग केस, इस पे हम लोग बात कर ली, सिर्फ दिमाग में रखना, बोर्ड में के लिए बहुत जरूरी नहीं है, कॉम्पिटिशन के लिए आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें। थोड़ा रोटेशन के बारे में देख लें, रोटेशन ऑफ मिरर, तो एक्चुअल में होता क्या है, मान लो ये मिरर है,
इंसिडेंट रे आई, टकरा के गई रिफ्लेक्टेड रे। अगर मैंने इंसिडेंट रे को घुमाने की कोशिश की, ये आई, ये थीटा होता है तो ये भी थीटा, दोनों आई और आर बराबर होते। अगर इसको मैंने, ये आई और ये आर, अगर मैंने इसको थीटा डिग्री से इधर की तरफ, मतलब ये टॉर्च था, टॉर्च को मैंने थोड़ा इधर की तरफ मोड़ा, एंगल रोटेट किया, तो ये रिफ्लेक्टेड रे भी मुड़ जाती है। ये अगर थीटा से मुड़ेगा तो ये थीटा से, एंटी क्लॉकवाइज तो क्लॉकवाइज, ये बात। दूसरी बात, मिरर, इंसिडेंट रे रिफ्लेक्टेड रे, अगर मैंने गलती से भी मिरर को मोड़ने की कोशिश की, मान लो थीटा से मोड़ने की कोशिश की, इंसिडेंट रे के साथ अभी कुछ नहीं किया जा रहा है, तो रिफ्लेक्टेड रे हमारी 2 थीटा से घूमती है सेम डायरेक्शन में। मिरर को अगर मैंने यहां से नीचे की तरफ थीटा से मोड़ा तो रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा से सेम डायरेक्शन में मुड़ जाएगी। ये बात समझ में आई प्लेन मिरर के रिफ्लेक्शन के बारे में। एक और चीज आपको समझनी है, डेविएशन। एक और चीज है डेविएशन। डेविएशन का मतलब समझते हो, लाइट जिस रास्ते पे जा रही थी वहां से कितना मुड़ गई उसे बोलते हैं डेविएशन। ये देखो, इंसिडेंट रे आई, यहां पे चली गई, ये अपना मिरर। एक्चुअल में इंसिडेंट रे यहां जा रही थी, ऐसे जा रही थी सीधा, ठीक है, ऐसे जा रही थी, पर मुड़ने के बाद यहां मुड़ गई, मतलब टकराने के बाद यहां मुड़ गई। ये मान लो कुछ थीटा, तो ये भी थीटा, आई तो आई, आई और आर ना, यहां से जो यहां तक मुड़ा, यहां से लेके यहां तक का जो एंगल है ना, इसे ही बोलते हैं डेविएशन। ऐसा सिंबल होता है डेल्टा, इसे बोलते हैं डेविएशन। कितना होगा, तो डेविएशन की वैल्यू आती है 180 माइनस 2 थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दोनों एक ही बात है। कैसे आता है, बहुत आसान है, बहुत आसान है। ये देखो, कोई भी लाइन कितना एंगल बनाती है, यहां से लेके यहां तक का पूरा एंगल कितना है 180। अब 180 में से ये थीटा और ये थीटा, 2 थीटा माइनस हो गया, यही है अपना डेविएशन। ये खास बात, सारे पॉइंट्स जो मैं बोल रहा हूं, एक एक पॉइंट को मेरी भाषा में या फिर अपनी भाषा में कॉपी में नोट करना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखना है, कॉपी में नोट करते रहो, एक तरीके से शॉर्ट नोट्स बन रहे हैं तुम्हारे। एक और सवाल हमसे पूछा जाता है हाइट ऑफ मिरर के बारे में। अगर मैं एच हाइट का इंसान हूं और मुझे अपनी पूरी पूरी इमेज देखनी है तो मिरर की मिनिमम हाइट कितनी होनी चाहिए, तो आंसर आता है h/2। इसको भी रे डायग्राम से हम लोग प्रूव करते हैं, ठीक है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है कि पूरी इमेज देखने के लिए मिरर की मिनिमम हाइट होनी चाहिए h/2। तो ये कुछ जरूरी बातें रही प्लेन मिरर से, ठीक है, प्लेन मिरर हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे और स्फेरिकल मिरर से जुड़े कुछ बहुत जरूरी टर्म्स देखेंगे। मिरर देखो, ये रहा और इस पर आउटर सरफेस पॉलिश्ड है, मतलब है ये कॉनकेव मिरर, ठीक, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर एक स्फीयर से काट के बना होता है, ये एक स्फीयर का पार्ट होता है। थोड़ा अच्छा स्फीयर बनाओ, एक स्फीयर का पार्ट होता है। अब स्फीयर का एक सेंटर होता है, स्फीयर का सेंटर होता है, तो इस सेंटर को बोलते हैं सी। सी रिप्रेजेंट करता है सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये जो है इसे बोलते हैं कर्वेचर। सेंटर से यहां तक की दूरी को क्या बोला जाता है, आर। यहां तक की दूरी को क्या बोला जाता है, आर। तो ये आर जो है वो है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक बात। ये जो पॉइंट होता है मिरर जो कटा हुआ उसका मिड पॉइंट होता है, इसे बोलते हैं पोल। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, पोल। और पोल से हर एक दूरी को हम लोग मेजर करते हैं, पोल से हर एक दूरी को हम लोग मेजर करते हैं। उसके अलावा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को जोड़ने वाली लाइन जो सीपी होती है, इसे बोलते हैं, इस लाइन को बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ये सारे पॉइंट्स जो मैं बता रहा हूँ ना, एक एक नंबर के बोर्ड्स में आते हैं, पूछा जाता है व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज पोल, व्हाट इज फोकस, ये सारे पॉइंट एक एक नंबर के पूछे जाते हैं, ठीक। इसके अलावा और जो हमें समझना है सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक और वर्ड आएगा अपर्चर। अपर्चर वर्ड मतलब ये जो कटा हुआ पार्ट है ना, इसका इफेक्टिव डायमीटर, या बोले यहां से यहां तक का जो इफेक्टिव लेंथ होता है, इसे ही बोलते हैं अपर्चर। अपर्चर के लिए डेफिनेशन क्या बोलेंगे हम लोग, इफेक्टिव डायमीटर ऑफ दिस मिरर, जो भी कटा हुआ मिरर है उसका इफेक्टिव डायमीटर। फोकस, 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 फोकस बहुत जरूरी है हमारे लिए, फोकस बनाए रखना। यहां पर फोकस का डेफिनेशन ही आता है, अगर कोई लाइट बिल्कुल सीधी आए, सीधी मतलब इनफाइनाइट है, तो टकराने के बाद एक पॉइंट से गुजरती है और जो पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं फोकस।
वो जो पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं फोकस, एफ फॉर फोकस। और पोल से फोकस की जो दूरी होती है उसे बोलते हैं फोकल लेंथ, एफ पी जो होता है इसे बोलते हैं हम लोग फोकल लेंथ। किसी भी मिरर का फोकल लेंथ होता है एक, ठीक। सेम चीज जैसा मैंने कॉनकेव के लिए बताया, ये सारे पॉइंट कॉन्वेक्स के लिए भी वैलिड है, कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी सारे सारे पॉइंट ऐसे होते हैं, ठीक। अब एक चीज आपने देखी होगी, एक फॉर्मूला है एफ इक्वल्स टू आर बाई टू, मतलब ये जो सेंटर ऑफ कर्व, ये दूरी का आधा दूरी होता है ये फोकल लेंथ। ये फॉर्मूला हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, हम लोग को ये फॉर्मूला पढ़ना है, लेकिन एक्चुअल फॉर्मूला ये नहीं है। एक्चुअल फॉर्मूला होता है आर माइनस आर बाई टू कॉस थीटा, ठीक है। लेकिन कारण क्या है, इसका भी डेरिवेशन होता है, ठीक है, अभी बिल्कुल काम की चीज़ नहीं है इसलिए नहीं बता रहा हूँ। इसका भी प्रूफ होता है, इसका भी प्रूफ होता है। हम लोग को ये चीज़ कहाँ से आती है ये समझनी है। तो देखो, लाइट रेज हम लोग हर टाइप के लाइट रेज के लिए नहीं पढ़ते हैं। जो लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पास होती हैं, उन्हें बोलते हैं पैराएक्सियल रे। क्या बोलते हैं? पैराएक्सियल रे। और जो दूर होती हैं उन्हें बोलते हैं मार्जिनल रे। तो हम लोग जो पास वाली लाइट होती है उनको तो पढ़ते हैं, दूर वाली जो मार्जिनल रे होती हैं, मार्जिनल नाम लिख दूं, इसको नहीं पढ़ना है, इसको बस पढ़ना होता है, ये सिलेबस पे नहीं होती, ठीक है। होता क्या, पैराएक्सियल रे जो पास में होती हैं उनका एंगल जो टकराती है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है बहुत कम। ये छोटे एंगल्स के लिए होते हैं और छोटे एंगल के लिए ही हम लोग बात करते हैं। तो छोटा एंगल जब होता है तो फॉर स्मॉल एंगल कॉस थीटा की वैल्यू होती है लगभग में एक, साइन थीटा की वैल्यू होती है लगभग में जीरो। कहाँ से बोल रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो ना, तो कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन। तो छोटा एंगल जीरो के आसपास होगा तो वन लेंगे वैल्यू, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है तो वो भी छोटे एंगल के लिए जीरो। तो यहाँ पे कॉस थीटा की वैल्यू अगर वन रखेंगे तो आर माइनस आर बाई टू, तो ये फॉर्मूला हम लोग को मिलता है। उम्मीद करता हूँ ये बात कहाँ से आई, इसका लॉजिक समझ में आ गया, ठीक। ये थे इससे मिरर से जुड़े, स्फेरिकल मिरर से जुड़े कुछ जरूरी टर्म्स। अगली बात हम लोग को समझनी है मिरर में जो फॉर्मूला यूज किया जाता है, मिरर फॉर्मूला कुछ आता है वन बाई एफ इक्वल्स टू वन बाई वी प्लस वन बाई यू। एफ क्या है? फोकल लेंथ। वी क्या है? इमेज डिस्टेंस। यू क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये सारी बातें हम लोग को आती है, ठीक है। ये मिरर फॉर्मूला, इसका डेरिवेशन भी आता है बोर्ड में, हमें नहीं जानना है इसका डेरिवेशन, किसी को बहुत दिमाग लगाना है तो लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, कैसे डेराइव करते हैं वो सारी बातें समझ सकते हो, ठीक। इसकी होगी डेरिवेशन की बात। अब आगे लेंस फॉर्मूला, सॉरी मिरर फॉर्मूला यूज करने के लिए हम लोग को पता होना चाहिए साइन कन्वेंशन। क्या पता होना चाहिए? साइन कन्वेंशन, कि कब वी एफ यू इनको कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है, तब जाके हो पाता है हमारे सवाल। तो साइन कन्वेंशन के दो रूल हैं, शायद आप लोगों ने दूसरा मेथड पढ़ा होगा कार्टेशियन वाला, कोऑर्डिनेट वाला, तो वो मैं नहीं बता रहा हूँ, जो लाइट की डायरेक्शन से बताते हैं वो वाला रूल बता रहा हूँ। ये वाला रूल ही ज़्यादा अच्छा होता है और आगे चल के हम लोग हर जगह इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। कार्टेशियन में आपको कभी कन्फ्यूज़न हो सकता है लेकिन इस रूल में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं क्या है रूल। ये अगर हमारा मिरर है कॉनकेव मिरर, तो पहला रूल बोलता है कि ये पॉइंट पोल, ये पॉइंट पोल, अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट से लाइट इस डायरेक्शन में निकलेगी, ठीक है। तो पहला पॉइंट बोलता है कि डिस्टेंस जो भी मेजर करेंगे हमेशा पोल से मेजर करेंगे, यहां से दूरी हमेशा मेजर होगी, डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, दूरी हमेशा हम लोग पोल से मेजर करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, डायरेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के डायरेक्शन में अगर हम लोग दूरी को मेजर करेंगे तो पॉजिटिव होगी, और लाइट के अपोजिट में अगर मेजर करेंगे तो वो होगी नेगेटिव। मतलब कि अगर यहाँ पे रखा हुआ है ऑब्जेक्ट तो मुझे यहाँ से यहाँ आना है, तो ये लाइट की डायरेक्शन आगे की तरफ, मैं अपोजिट में आ रहा हूँ तो इसलिए वो दूरी हो जाएगी नेगेटिव। दूसरा पॉइंट क्या है, डिस्टेंस इन डायरेक्शन ऑफ लाइट इज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में है
तो वो नेगेटिव भी होगी। इसका थोड़ा समझ लेते हैं, ये बता तो दिया मैंने, इसको समझ लेते हैं। मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है और मान लिया यहाँ पे इमेज बना, ठीक, फोकल लेंथ भी इसका यहीं पे कहीं है, तो यहाँ पे तीनों के लिए साइन थोड़ा हम लोग देखेंगे कौन पॉजिटिव होगा कौन नेगेटिव होगा। तो पहली बात, अगर मुझे ऑब्जेक्ट के लिए आना तो यहाँ से लेके मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक है, पोल से शुरू करके यहाँ पे आया, तो ये जो भी डायरेक्शन है लाइट के अपोजिट है, तो यू यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है मेरा नेगेटिव। इमेज भी यहीं पे, इसके लिए मुझे यहाँ से यहाँ आना पड़ा, अपोजिट टू लाइट, वी भी है मेरा नेगेटिव। फोकस यहाँ पे, इसके लिए भी मुझे यहाँ से यहाँ आना पड़ा, ये भी नेगेटिव, सबके सब नेगेटिव आ रहे हैं पहले केस में। हाँ, अगर मान लो इन केस यहाँ पे इमेज बना होता, पीछे बना होता, तो मैं कैसे करता, पोल से लेके आगे की तरफ जाता, तो ये डायरेक्शन होती लाइट की डायरेक्शन, तो यहाँ पे क्या आता, पॉजिटिव, फिर मेरा इमेज पॉजिटिव आता। एक और केस से देख लेते हैं, ये तो कॉनकेव के साथ किया, कॉन्वेक्स का भी देख लेते हैं। अगर कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ये इनर पार्ट है, ठीक, पॉलिश्ड। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं तो उसका इमेज तो बनता नहीं है, ऑब्जेक्ट मुझे रखना है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा, और यहाँ पे होता है इसका फोकस ये है, तो इसका सेंटर होगा, ठीक है, सेंटर बीच में होगा, तो सेंटर का आधे पॉइंट पे होगा फोकस, और यहाँ पे मान लो ऑब्जेक्ट है, टकराने के बाद लाइट चली गई, तो यहाँ पे कहीं इमेज बना। तो अब यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से निकलती है, ये रहा डायरेक्शन ऑफ लाइट, मुझे पता है ये पोल, पोल से मैं ऑब्जेक्ट के लिए आया अपोजिट टू लाइट, यू क्या हुआ मेरा नेगेटिव। यहां से आगे जाऊंगा तो एफ है, फोकल लेंथ आगे की तरफ पॉजिटिव, इसी डायरेक्शन में इमेज भी है, आगे गया तो इमेज मिला, तो वी भी क्या मेरा पॉजिटिव। तो कब पॉजिटिव आएगा कब कब नेगेटिव आएगा, ये बात थोड़ी थोड़ी तो समझ में आ गई होगी, ठीक है, ये साइन कन्वेंशन। एक बात और, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की चीज होगी पॉजिटिव और नीचे की चीज होगी नेगेटिव, ये ही बस है अपना साइन कन्वेंशन। और ध्यान रखो यहाँ पे ये जो साइन कन्वेंशन मिरर के लिए यूज करें, सेम टू सेम हम लोग लेंस के लिए भी यूज करने वाले हैं साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन की बात होगी, अगली बात हमें समझनी है मैग्निफिकेशन के बारे में। मैग्निफिकेशन जिसे हम लोग छोटा एम से डिनोट करते हैं, मैग्निफिकेशन स्मॉल एम से डिनोट करते हैं, होता क्या है, मैग्निफिकेशन हमेशा रेशियो बताएगा साइज के बारे में, इमेज और ऑब्जेक्ट की, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो आपने बोला कि सर हमने साइज नहीं, हमने हाइट ऑफ इमेज पढ़ा है, ठीक है, वही बात है, साइज ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज। अब देखो जैसे ये मिरर है ना, अब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऐसे ऑब्जेक्ट है तो इसकी हाइट के बारे में बात होगी, इसके हाइट के बारे में बात होगी, लेकिन अगर ऐसे रखा हुआ है तब तो इसके लेंथ के बारे में बात होगी, अगर ये पूरा बड़ा सा ऑब्जेक्ट है तब तो इसके एरिया के बारे में बात होगी। तो ये मैग्निफिकेशन तीनों चीज बताता है। हम लोग सिर्फ हाइट के बारे में, अभी टेंथ में सिर्फ हाइट के बारे में बात करते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और ये बराबर आता है माइनस वी अपॉन यू के, इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये फॉर्मूला है जो हमें मैग्निफिकेशन के लिए यूज करना है। एक वर्ड जो मैंने यूज किया, अगर हाइट के लिए करते हैं, हाइट का ही हमारे काम का है, एडिशनल चीज जान लो, यहाँ पे हाइट के बारे में बात करते हैं, तो ये परपेंडिकुलर एक्सिस के परपेंडिकुलर, तो इसे बोलते हैं लेटरल मैग्निफिकेशन, ठीक है, या फिर परपेंडिकुलर या फिर ट्रांसवर्स, तीनों वर्ड एक ही है, लेटरल परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स, ये वाला मैग्निफिकेशन। इसके अलावा अगर ये नीचे ऐसे रखा हुआ तो ये लेंथ के बारे में बात हो रही है, तो इसे बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ, लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन, ठीक। तो ये बात, मतलब हम लोग हाइट के बारे में ही बात करेंगे इस पूरे क्लास टेंथ में, लेकिन आपको लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल का मतलब पता होना चाहिए। तो ये भी बात खत्म हो गई हमारी मैग्निफिकेशन की। अगली बात क्या आती है, लेंस सॉरी मिरर में हम लोग ये सारे बात कर लिए। अगली चीज हम लोग को रे डायग्राम के बारे में समझना होता है कि रे डायग्राम कैसे बनते हैं। यहाँ पे सिर्फ मैं आपको समझा रहा हूं कि ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, इमेज कहाँ पे बनेगी। एक्चुअल जो बोर्ड में रे डायग्राम बनाते हैं उसका आप लोग उसमें नोट्स में देखोगे, इवन एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि रे डायग्राम एक्चुअल में बनता कैसे है। मैं आपको समझा रहा हूँ कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट होगा तो कहाँ पे इमेज बनेगा, उसका नेचर क्या होगा, इन सब बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो कॉनकेव के लिए हमारे 6 डायग्राम बनते हैं, कॉनकेव मिरर के लिए, और कॉन्वेक्स मिरर के लिए 2 बनते हैं।
बना रहा हूं मैं कैसे कैसे, देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर का पहला केस। अगर ये देखो ये पोल, ये फोकस, और फोकस के दोगुनी दूरी पे है सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। पहला केस बहुत आसान, लाइट अगर इंफिनिटी से आएगी तो टकरा के फोकस पे जाती है, पहला केस बहुत आसान। दूसरा बात, दूसरी बात, ये अगर कोई अपना कॉनकेव मिरर फोकस सेंटर पोल, अगर एक तो दूर से आ रही है, अगर थोड़ा इनके बीच सेंटर और इन्फिनिटी, ये बहुत दूर इन्फिनिटी, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर रखा है तो इससे जो लाइट रे जाएगी टकरा के उसका इमेज यहाँ पे बनता है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, सी और इन्फिनिटी के बीच में, इमेज कहाँ बन रहा है, सी और एफ के बीच में। अब देखो हुआ क्या क्या, सीधा था तो उल्टा हो गया, सीधा था तो उल्टा हो गया, तो इसको बोलते हम लोग इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड वर्ड यूज किया जाएगा उल्टा के लिए। बड़ी साइज से छोटी हो जाती है तो ये हो जाता है डिमिनिस्ट, क्या हो जाता है डिमिनिस्ट। इसके अलावा मिरर के सामने जो भी इमेज बनते हैं ना उसे हम लोग बोलते हैं रियल, सामने बनेगा तो रियल बनेगा, पीछे बनेगा तो वो वर्चुअल बनता है। छोटा हो गया, डिमिनिस्ट हो गया, इन्वर्टेड है, और ये एक रियल इमेज है, ये बात। इसके अलावा अब मैं देखो ऑब्जेक्ट की पोजिशन चेंज करते जा रहा हूं, अगले बार में मैं क्या करूंगा कि ऑब्जेक्ट को थोड़ा और आगे लाऊंगा, तो पोल, फोकस और सेंटर, और ये रहा इन्फिनिटी, इस बार सेंटर पे लाके रख दिया, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो होगा क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट निकलेगी और यहीं पे आके इमेज बन जाएगा, यहीं पे आके इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट और इमेज होगा क्या सेम साइज की, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा इमेज भी बनता है, बट उल्टा बनता है, इन्वर्टेड इमेज बनता है, इन्वर्टेड, सेम साइज और सामने बन रहा है, इसका मतलब रियल, ये इसकी इमेज की प्रॉपर्टी होगी, इन्वर्टेड, सेम साइज और रियल। अगला रे डायग्राम बना के देखते हैं, हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करते हैं और अलग अलग पोजीशन मिलता है हमें इमेज का, फोकस, और ये रहा हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहले देखो सी और इन्फिनिटी के बीच में था, फिर सी पे था, इस बार हम लोग सी और फोकस के बीच में लाते हैं, तो इसका इमेज टकराने के बाद कुछ यहाँ बनता है, ये पोजीशन होती है सी और इन्फिनिटी पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच में इमेज बनता है। इसके बारे में, छोटा था बड़ा हो गया, इनलार्ज हो गया, सीधा था उल्टा हो गया, इन्वर्टेड हो गया, सामने है मतलब रियल, तो इसके बारे में ये सारी बातें। दो और डायग्राम बनते हैं, अगर फोकस पे ही ऑब्जेक्ट हो, फोकस पे ऑब्जेक्ट हो, तो ये टकराने के बाद चला जाता है बिल्कुल सीधा, टकराने के बाद चला जाता है सीधा, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखेंगे तो इमेज बनेगी इन्फिनिटी पे। अगली और आखिरी बात के आखिरी केस कॉनकेव के बारे में, अगर मैंने फोकस और पोल के बीच में किसी भी ऑब्जेक्ट को रख दिया तो इसका लाइट रे टकराने के बाद वापस चला जाएगा, मतलब एक्सिस पे कहीं आके नहीं मिलेगा, तो इसको जब हम लोग एक्सटेंड करते हैं ना तो इसका इमेज पीछे बनता है, इसका इमेज पीछे बनता है, और ये ऐसा केस है जहां पे इमेज पीछे बनता है मतलब वर्चुअल, साइज जो होती है बड़ी हो जाती है, तो इनलार्ज, वर्चुअल, इनलार्ज और सीधा, इरेक्ट। तो ये 6 केस हो गए अपने कॉनकेव के, ठीक। ये मैंने एक रे से दिखाया, बाकी आपको बोर्ड में दो दो रे डायग्राम से दिखाने होंगे, ठीक। एक रे डायग्राम आप सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास कराओगे। कॉनकेव के बारे में दो केस हैं, उनको देख लें। कॉनकेव में बिल्कुल सिंपल सी बात है, पहला केस अगर लाइट इन्फिनिटी से आएगी तो टकरा के चली जाएगी, और अगर इसको मैं एक्सटेंड करूंगा तो ये जाके मिलेगा फोकस पे, लाइट इन्फिनिटी से आई तो इसका इमेज बनेगा फोकस पे। दूसरा, पोल और इन्फिनिटी के बीच में, पोल यहां पे और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखें, पोल और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट को रखें तो यहां से लाइट जाएगी, टकरा के चली जाएगी, और इसको एक्सटेंड करेंगे तो इसका जो भी इमेज बनेगा वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही होगा, पोल और फोकस के बीच में ही होगा, साइज होगी छोटी, डिमिनिस्ट होगी, साइज छोटी होती है, सीधा होता है यानी इरेक्ट होता है, पीछे बनता है यानी वर्चुअल। तो ये सारे के सारे हो गए अपने रे डायग्राम। इस तरीके से हम लोग रिफ्लेक्शन के बारे में सारी बातें कर चुके हैं अब तक। क्या क्या पढ़ा हम लोग रिफ्लेक्शन में, मिरर के बारे में देखा, रिफ्लेक्शन होता क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देखा, मिरर देखा, प्लेन मिरर की प्रॉपर्टीज, स्फेरिकल मिरर की प्रॉपर्टीज, स्फेरिकल मिरर से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, और ये रे डायग्राम। खत्म हो गया अपना रिफ्लेक्शन।
अगला चीज रिफ्रैक्ट। और आगे अब हमें लाइट के दूसरी खास प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है जो है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है ये समझेंगे हम लोग, और रिफ्लेक्शन से जुड़े लॉ और इससे जुड़े लेंस वगैरह के बारे में अब हमें पढ़ाई करनी है। तो रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जैसे मान लो जो लाइट रे जिसके बारे में हम लोग तब से बात कर रहे थे, वो लाइट रे हमारे ये रही, ठीक है, एक लाइट रे आई। अब यहाँ पे हुआ क्या, यहाँ पे कोई और मीडियम था और ये कोई दूसरा मीडियम है, तो जब ये इस मीडियम में गई तो ये अपने रास्ते पे जा रही थी, ये इसका ओरिजिनल रास्ता था, यहाँ से ये मुड़ गई, यहाँ से लाइट रे मुड़ गई। तो रिफ्रैक्शन डिफाइन किया जाता है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्शन। सही बात। यहाँ पे एक्चुअल में हुआ क्या, ये मीडियम वन है, मीडियम वन, और ये जो है यहाँ पे मीडियम टू। लाइट रे गई तो ये जो है सरफेस के परपेंडिकुलर, इसे हम लोग फिर भी बोलेंगे नॉर्मल, ये हमारा नॉर्मल। जो लाइट रे गई इसे बोलते हम लोग इंसिडेंट रे, ठीक है, और जो लाइट रिफ्रैक्ट हुई इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे। और बातें नॉर्मल से जो एंगल बनाती इंसिडेंट रे उसे बोलते हैं इंसिडेंट एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और नॉर्मल से जो रिफ्रैक्टेड रे बनाता उसे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ये छोटी छोटी बातें। अच्छा मैंने अभी बोली ना कि रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा और बेंड करेगा, ये बात एक जगह गलत हो जाती है, बिल्कुल गलत हो जाती है। देखो ना, अगर मान लो ये रहा हमारा मीडियम, लाइट यहाँ से बिल्कुल सीधे गई तो इसमें भी बिल्कुल सीधी जाएगी, ये हमें फील भी आ रहा है, लाइट अगर सीधी गई तो सीधी वहाँ भी जाएगी। तो क्या यहाँ पर बेंड हुआ, नहीं हुआ, तो यहाँ पर लाइट बेंड नहीं हुआ लेकिन लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया, क्या इसे रिफ्रैक्शन बोलेंगे, हाँ या ना, ये कंफ्यूज करता है। तो सही आंसर है दिस इज ऑल्सो केस ऑफ रिफ्रैक्शन, यहाँ पे बेंड लाइट बेंड नहीं हुई है फिर भी रिफ्रैक्शन है। रिफ्रैक्शन के जब डेफिनेशन हम लोग बोलते हैं ना तो उसमें एक चीज बहुत जरूरी चीज है वो मिस कर देते हैं। रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। लाइट ऑफ स्पीड चेंजेस व्हेन इट मूव फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, और ये जरूरी बात हम लोग को समझनी है। रिफ्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, ये बेंडिंग, ये रिफ्रैक्शन। लेकिन ये बात यहां पे जरूर आपको ऐड करनी पड़ेगी कि स्पीड ऑफ लाइट चेंजेस इन रिफ्रैक्शन, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, ये हर बार होगा। रिफ्रैक्शन में भले बेंड करे या ना करे, यहां पे बेंड नहीं हुई लेकिन ये बात तो हर बार होगी, स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो जाएगी। अच्छा इसको थोड़ा फील करते हैं ना कि स्पीड ऑफ लाइट चेंज क्यों हो जाती है। एक्चुअल में ना मान लो इसको एक एग्जांपल से करते हैं, ये बाहर का जो मीडियम वन है इसको मान लो एयर, और ये जो मीडियम है इसको अभी मान लेते हैं वाटर, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है, या कोई भी ऐसा मीडियम हो सकता है। तो हुआ क्या कि लाइट यहाँ पे थी, एयर में थी, तो स्पीड ऑफ लाइट थी अच्छी खासी, पार्टिकल्स इसमें, एयर के पार्टिकल्स क्या होते हैं, इंटरमोलिकुलर स्पेस ज्यादा होता है, पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, लाइट अच्छी खासी जा रही थी। लेकिन जब इस मीडियम में गई, दूसरे मीडियम में, जो अगर वाटर है यानी लिक्विड, अगर ग्लास है यानी कि सॉलिड, तो उसमें पार्टिकल्स होंगे पास पास, उनके बीच की इंटरमोलिकुलर स्पेस होगा कम। तो जब पार्टिकल्स पास पास होंगे तो लाइट को पास होने में दिक्कत होगी। थोड़ा सा फील करो ना इस बात को कि लाइट जब जाएगा यहाँ पे ढेर सारे पार्टिकल है तो सबसे टकरा टकरा के निकलेगा, तो डेफिनेटली लाइट की स्पीड हो जाती है कम, और यही फिनोमिना होता है जिस कारण ऐसा दिखता है हम लोग को रिफ्रैक्शन, लाइट हो जाती है बेंड। तो ये बात हुई रिफ्रैक्शन की। अब ये जो मीडियम की बात कर रहे हैं ना, तो मीडियम की जैसे एयर है तो एयर में पार्टिकल्स दूर दूर है, तो इसके लिए बोला जाता है ये जो मीडियम है रेयरर है, मतलब पार्टिकल्स दूर दूर, अगर पार्टिकल्स पास पास आ जाएंगे तो उसे बोलेंगे डेंसर, उसे क्या बोलेंगे, डेंसर, रेयरर और डेंसर, ये टर्म समझते हैं। तो अभी मैं दो टर्म्स हैं, एक रेयरर मीडियम और एक है डेंसर मीडियम। रेयरर डेंसर को ना समझाने के लिए जो
इसमें लाइट के लिए हमें जो टर्म है वो है मीडियम की प्रॉपर्टी, रेयरर डेंसर क्या बता रहा है, मीडियम की प्रॉपर्टी, और उसको समझाने के लिए जो वर्ड है वो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये क्या भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये मीडियम की प्रॉपर्टी जो रेयरर या डेंसर के बारे में बताएगी। होता क्या, बाय डेफिनेशन ये होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, हाँ इन वैक्यूम टू स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। मीडियम कोई भी हो सकता है जो जिसमें हमारा लाइट ट्रेवल कर रहा है। अब वैक्यूम वर्ड शायद मतलब सुना होगा, वैक्यूम वर्ड, वैक्यूम का मतलब ये होता है कि ऐसी जगह जहाँ पे कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खाली, हवा भी नहीं है, एक कोई भी पार्टिकल नहीं, उसे बोलते हैं वैक्यूम। और दूसरा है मीडियम, मीडियम कुछ भी हो सकता है, एयर भी एक मीडियम है, वाटर भी एक मीडियम है, ग्लास भी एक मीडियम है। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, जिसकी वैल्यू होती है 3×10^8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये फिक्स रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, अपॉन यहां पे लाइट की मीडियम स्पीड। अब देखो लाइट की जो मैक्सिमम स्पीड हो सकती है वही है 3×10^8 जो पूरे खाली स्पेस में होती है। अब लाइट कहीं और है, किसी और मीडियम है, तो डेफिनेटली उसकी स्पीड हो जाएगी कम। अभी हमने बात किया क्यों कम हो जाती है, क्योंकि पार्टिकल्स आएंगे टकराएगी तो लाइट की स्पीड हो जाएगी कम। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा, जितना ज्यादा पार्टिकल्स पास पास होंगे, उतना ज्यादा स्पीड की लाइट हो जाएगी कम, उतनी ज्यादा स्पीड की लाइट हो जाएगी कम। और जितनी ज्यादा स्पीड की लाइट की स्पीड कम होगी उतना ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उतना ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से देखो, तीन मीडियम का एग्जांपल लेते हैं, एयर वाटर ग्लास। मुझे पता है एयर में पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर, एयर में पार्टिकल्स होते हैं दूर दूर, लाइट की स्पीड क्या होगी ज्यादा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम। वैल्यूज हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखो सिंबल होता है एन से डिनोट किया, देखो एन से डिनोट किया जाता है, कभी कभी इसे म्यू से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, जैसे एन हम लोग कॉमनली यूज करते हैं एन। तो अगर मैं एयर के लिए बात करूं, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये हम लोग लेते हैं इसकी वैल्यू 1 क्यों लेते हैं कि हम लोग मानते हैं, होता नहीं एक्चुअल में, मानते हैं कि जो वैक्यूम होगा वैसा ही एयर भी है, वैक्यूम में जो स्पीड है वही एयर में है, तो ऊपर भी उतनी स्पीड नीचे भी उतनी स्पीड, कैंसिल होके 1 बचता है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर हम लोग लेते हैं 1। दूसरी बात, उसी लाइट को हम लोग पानी में भेजें, वाटर में, तो वाटर में थोड़े पास पास पार्टिकल आ गए और स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी कम, स्पीड ऑफ लाइट हो जाएगी कम, तो ये चीज कम होगी तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा बढ़ जाएगा। जो प्रैक्टिकल वैल्यू आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर वो होती है 4/3, इसकी वैल्यू होती है 1.33, बाहर तो नहीं क्या, ठीक है 4/3 तो समझ में आ रहा है ना, 1.33, तो वाटर में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ गया। अगली बात ग्लास की करो, ग्लास सॉलिड हो गया, तो सॉलिड में और भी पार्टिकल्स पास पास आ गए, लाइट की स्पीड और भी हो गई कम, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया और भी ज्यादा। ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 3/2, जिसकी वैल्यू है 1.5। एयर उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का, फिर उससे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का, जितने ज्यादा पास पास पार्टिकल आएंगे, जितना डेंसर होगा मीडियम उतना ज्यादा होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना रेयरर होगा उतना कम होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है वो समझ में आया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है ये समझ में आ गया। हम लोग बात कर रहे हैं रिफ्रैक्शन की, रिफ्रैक्शन का मतलब समझ गए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का भी मतलब समझ गए। अब रिफ्रैक्शन से जुड़े होते हैं लॉ, दो लॉ हैं रिफ्रैक्शन से जुड़े हुए, जैसे कि रिफ्लेक्शन में था वैसे ही चीजें हैं रिफ्रैक्शन के साथ भी, दो लॉ हैं उनको समझ लेते हैं। देखो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एक लॉ तो कॉमन है जो रिफ्लेक्शन में भी था यहां भी है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल एंड नॉर्मल लाइज इन सेम प्लेन, लाइज इन सेम प्लेन, ये बात दोनों में बराबर है याद रखना, रिफ्लेक्शन में भी था रिफ्रैक्शन में भी। दूसरी बात एंगल के बारे में थी, वहां पे था कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर था एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, हाँ रिफ्लेक्शन, यहां पे रिफ्रैक्शन वर्ड है लेकिन बराबर नहीं है। यहां पे क्या होता है, अगर मैं साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस लेता हूं और उसको डिवाइड करता हूं साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को, तो ये एक आता है कॉन्स्टेंट,
ये कहता है कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट डिपेंड करता है इस मीडियम और इस मीडियम की प्रॉपर्टी पे। कौन सी प्रॉपर्टी पे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करता है, बस इतनी सी बात है। इसको लैंग्वेज में लिखना होगा तो बोलोगे कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कॉन्स्टेंट, एंड दिस कॉन्स्टेंट डिपेंड्स ऑन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दीज टू मीडियम्स। सही बात, ये हो गए लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अब अगली बात है ना, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में जो दूसरा लॉ है, ये वाली बात, इसी को यूज करके एक बहुत चालाक से साइंटिस्ट थे स्नेल्स, उन्होंने अपने नाम पे इसको ले लिया लॉ को, और अपना लॉ बना के स्नेल्स लॉ नाम बना के दे दिया। और उन्होंने किया कुछ नहीं, ये जो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट की वैल्यू बता दी। कांस्टेंट की वैल्यू जो मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा था कि कांस्टेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा, उन्होंने इसकी वैल्यू बता दी। तो स्नेल्स लॉ यहां पे देख लेते हैं लोग। स्नेल्स लॉ ये बोलता है कि पहला मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर होगा दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये बोले स्नेल्स, एन वन पहले मीडियम का साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एन टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बस यही बात है स्नेल्स लॉ, ये बात है स्नेल्स लॉ। एक्चुअली में देखो है क्या ये इसको ब्रैकेट में करो, देखो यहाँ पे साइन आई अपॉन साइन आर की वैल्यू दिख रही मुझे, ये क्या है एन टू अपॉन एन वन, एन टू अपॉन एन वन। और ये बात तो हमें इतनी तो पहले ही पता थी, ये जो कांस्टेंट है कांस्टेंट की वैल्यू मिली है एन टू अपॉन एन वन। और यही बस अलग से थोड़ा काम किया था, अलग से मेहनत की थी स्नेल्स ने, और इसी पे उनका ये लॉ स्नेल्स लॉ। ठीक है, स्नेल्स लॉ में एंगल ऑफ इंसिडेंस है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, और दोनों मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। न्यूमेरिकल भी इस पे आते हैं, क्या आता है पूछा जाता है कि अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ है, वैल्यूज दे रखी है, लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गई तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा, डायरेक्ट वैल्यूज होती हैं, पुट किया जाता है आंसर मिल जाता है।